नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार स्वाति नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मीठा बोलने वाले लोकप्रिय और कुशल व्यापारी होते हैं। ये संवेदनशील दयालु हृदय वाले न्यायप्रिय स्पष्टवादी और बुद्धिमान होते हैं। ये उच्च अभिलाषी तर्क शक्ति करने में प्रवीण मानवतापूर्ण कार्य करने वाले और स्वतंत्र विचारधारा के भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज तुला राशि में ही चलते रहेंगे जिसके राज स्वामी शुक्रदेव हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शनि मंगल धनु राशि में आपस में एक दूसरे के अत्यंत करीब आ चुके हैं। इनका अंतर 1 डिग्री से भी कम रह गया है। इस स्थिति में यह एक दूसरे के ऊपर लगभग आच्छादित माने जाएंगे। कुछ राशियों के ऊपर इनका शुभत्व और कुछ राशियों के ऊपर गंभीर अरिष्ट की संभावना बनती है। शुभ मामलों में धर्म व शिक्षा से संबंधित कार्यों में सहयोग, न्याय संबंधी कार्यों में प्रोत्साहन और आध्यात्मिक ऊर्जा में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी रहती है। हर विषयों के प्रति गंभीरता और मनन चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ती है, मगर हानिकारक पहलू में अप्रत्याशित घटनाएं जैसे भूकंप, एक्सीडेंट, विस्फोट, आगजनी, स्वास्थ्य संबंधी मामलों में शल्य चिकित्सा, ब्रेन हैमरेज और हृदय संबंधी समस्याएं संभावित हैं। स्थिति और विकट हो सकती है जब चंद्रमा भी धनु राशि पर आ जाते हैं। इसका अब से लेकर आने वाली अमावस्या तक का अनुमान लगाया जा सकता है। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चंद्रमा आज राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। गज केसरी योग होने के बावजूद भी भाग्य की गति धीमी रहेगी। ऊर्जा स्तर ठीक ठाक होने के बावजूद भी कई योजनाएं अधूरी रह सकती हैं। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। बच्चों से संबंधित मामलों में सुखद समाचार मिल सकता है। मित्रों व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि आज जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। आपकी कार्य योजनाओं में शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, मगर आर्थिक योजना में साझेदारी उचित नहीं होगी। हर काम में प्रयास अधिक करना पड़ेगा। वित्तीय लेन देन में सावधानी आवश्यक होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लेते रहें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कोई भी काम असंभव नहीं प्रतीत होगा। आपका ऊर्जा स्तर हर काम के लिए सक्षम होगा और सफलता मिलेगी। आपके कार्यों में साझेदारी और पत्नी की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। आकस्मिक लाभ का लालच ना करें। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी सुखद समाचार मिल सकता है और वैवाहिक प्रस्तावों के लिए आज का दिन अनुकूल है। कर्क राशि वाले जातकों को अपनी कार्य योजना में सावधानी आवश्यक होगी। अचानक कोई तब्दीली या प्लानिंग में हेर फेर संभावित है। नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी सावधान रहना चाहिए। अधिकारियों की अनुकूलता बनी रहेगी, मगर विभागीय कर्मचारियों से विरोध संभावित है। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अपने शारीरिक व मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। सिंह राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। कमर और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। अपने स्वभाव में विरोध करने की प्रवृत्ति को विकसित करें। आपका दुरुपयोग हो सकता है और आपके ऊर्जा स्तर और उत्साह में कमी महसूस हो सकती है, मगर अधिकारियों की प्रेरणा और सहयोग मिलती रहेगी। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। वित्तीय निवेश के लिए समय अनुकूल है। साझेदारी के कामों में सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी।
शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ संभावित है। अनजाने भय से मन सशंकित रहेगा, किसी वाद विवाद को टालना लाभदायक रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों को अपने और मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक घबराहट, बेचैनी और पेट संबंधी समस्याएं संभावित हैं। व्यावसायिक योजनाओं के कई अवसर सामने आएंगे जो कि लाभदायक सिद्ध होंगे। बुजुर्ग रिश्तेदारों और अभिभावकों को आपके स्नेह और सहयोग की आवश्यकता महसूस होगी। संतान संबंधी चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में परिश्रम करना पड़ेगा। मित्रों व संबंधित रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। शत्रु पक्ष से सावधानी अपेक्षित है। मांगलिक कार्यक्रम के लिए समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित सहयोग और सकारात्मक सक्रियता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। आपके सक्रिय प्रयास से कार्य क्षेत्र में विस्तार संभव है। आपके अंतर मन की प्रेरणा सही दिशा में बनी रहेगी, मगर अनावश्यक विवाद संभावित है। आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। अभिभावक व रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के घर परिवार व बच्चों पर खर्च व निवेश की स्थिति बनती है। संबंधित मामलों में अचानक यात्रा का योग संभावित है। आपकी प्रबल इच्छा शक्ति और उत्साह पग पग पर काम आता रहेगा। संघर्ष की स्थिति के कारण अपने इरादों को बदलना उचित नहीं होगा। संयम और धैर्य से काम करते रहें, सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र के साथ साथ पारिवारिक दायित्व की व्यवस्था भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, मगर कई मौके सामने आएंगे। व्यावसायिक योजनाओं में अधिकारियों की प्रेरणा और किसी महिला वर्ग की भूमिका सहायक सिद्ध होगी। जमीन जायदाद और वाहन लेने का योग बना हुआ है। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नए निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। साझेदारी लाभदायक रहेगी। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्य योजनाओं में लगे रहें, सफल रहेंगे। मकर राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो विभागीय मामलों में यात्रा का योग बना हुआ है। उच्च अधिकारियों की बैठक संभावित है। आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। अपने भावनात्मक पहलू को नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों में प्रस्ताव अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक मामलों में आपका कुशल नेतृत्व सफलता दिलाएगा। आपका ऊर्जा स्तर हर जटिल काम को निपटाने में सफल रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। वैवाहिक मामलों के लिए समय अनुकूल चल रहा है। धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विरोधियों से सावधान रहें, मगर अधूरे काम पूरे होंगे। मीन राशि वाले जातकों को व्यावसायिक मामलों में साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। अधिक परिश्रम आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी पैदा कर सकता है और व्यावसायिक मामलों में भी अधिक जोखिम उचित नहीं होगा। दोस्त व विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है। साजिश के शिकार हो सकते हैं। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनी हुई है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।